नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार विधानसभा के दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 30 अक्टूबर को जो है ये चुनाव होंगे। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी अपनी पूरी तैयारियों में लग चुकी है। अगर हम बात कर ले बिहार, तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार दोनों विधानसभा सीटों पर कूच कर चुके हैं। इस बार वो अपनी यात्रा कुशेश्वर स्थान में कर रहे हैं और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह नीतीश कुमार को एक खुला चैलेंज दे दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार को यह खुला चैलेंज तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह दे दिया है। क्यों दे दिया है, आखिर क्या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, चलिए इस खबर को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। दरअसल बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया चैलेंज दे दिया है। ये चैलेंज चुनाव प्रचार के लिए सफर सड़क मार्ग से तय करने का है। दरअसल बिहार के कई इलाकों में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि उस पर गाड़ियां तो दूर की बात है, चलना भी काफी मुश्किल है। तेजस्वी इसका जिक्र कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने सीएम नीतीश को खुली चुनौती दे डाली है। दरअसल बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, 30 अक्टूबर को दोनों सीटों के लिए मतदान होने हैं। इसको लेकर नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के चुनावी कैंपेन में लग गए। तेजस्वी यादव अभी आरजेडी के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार के सिलसिले में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में गए हुए हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तेजस्वी ने कुशेश्वर स्थान की सड़कों की हालात दिखाई है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने लिखा है, 16 वर्षों के सीएम नीतीश कुमार को खुली चुनौती देता हूं कि 16 वर्षों तक उन्हें लगातार विजय बनाने वाले कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में वो एक बार सड़क मार्ग से घूमकर देख लें। अगर उनका भ्रम और कमर की हड्डी ना टूट जाए तो जो कहें, वो जनता व सच्चाई से डरते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। तो साफ तौर पर इस वक्त एक बार फिर से हम आपके सामने तेजस्वी यादव के सुबह सुबह किए गए ट्वीट का जिक्र करते हैं। देखिए किस तरह से अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें सीधे तौर पर कुशेश्वर स्थान की वो बदहाल सड़कों को तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं जिस पर फिलहाल वो इस वक्त चल रहे हैं। उन्होंने सीधे चुनौती बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को दे दी है। कहा है, आप तो हेलीकॉप्टर के उड़न खटोले से उड़ते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसका आप स्तर जानने के लिए मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप एक बार जमीन पर उतरें और देखिए कि किस तरह से बिहार की जनता और कई क्षेत्र में जो सड़कें नहीं बनी हैं, लोग कैसे रहते हैं। आपको खुली चुनौती है, अगर आप अपने गाड़ी से एक बार इन सड़कों पर घूम लेंगे तो आपकी कमर की हड्डी टूट जाएगी। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। ये कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अब देखिए, इससे छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जिनमें सड़कों का हाल जो है वो बद से बदतर है। ये हम नहीं, वहाँ की जनता और कई तस्वीरें बताती हैं। अगर हम बात कर ले सीमांचल और कोसी क्षेत्र की, जो हमेशा बाढ़ के दृत से झेल रहा है, और बाढ़ आने के बाद वहाँ की सड़कों का हाल क्या होता है ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी तस्वीर को जनता के बीच और बिहार के मुखिया के बीच रख रहे हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति के स्वागत में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के इस चैलेंज को किस रूप में और किस अंदाज में एक्सेप्ट करते हैं, वो खबर भी हम आपके सामने लाएंगे। फिलहाल के लिए खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हाँ, चलते चलते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।